बच्चों आज हमें पढ़ना है एडिंग एडिंग टेन हंड्रेड एंड थाउजेंड्स के बारे में। यानी जब हम किसी भी नंबर के साथ टेन हंड्रेड या थाउजेंड ऐड करते हैं तो हम वहां पे किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ पे मैंने सिंपली आपके लिए एक एग्जांपल यहाँ पे लिख के रखा है। टू ऐड टेन हंड्रेड एंड थाउजेंड टू वी ऐड वन एंड टेनिस हंड्रेड एंड थाउजेंड्स प्लेसेस रेस्पेक्टिवली। जब भी हमें किसी नंबर के साथ टेन या हंड्रेड या थाउजेंड ऐड करना होगा तो हम क्या कहते हैं, हम सिर्फ वन को ऐड करते हैं, वो भी जिस जगह पे। क्या वो नंबर टेन है, क्या हमें ऐड थाउजेंड हंड्रेड करना है, क्या हमें ऐड थाउजेंड करना है, उसी हिसाब से हमें यहाँ पे एडिशन भी करना है। उसी हिसाब से अगर टेन है तो टेन प्लेस भी ऐड होगा, अगर हंड्रेड है तो हंड्रेड प्लेस पे ऐड होगा, अगर थाउजेंड है तो थाउजेंड प्लेस पे ऐड होगा। एस्पेक्ट उसी हिसाब से कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए से मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा कि जब हमें ऐड करना होता है किसी नंबर के साथ टेन को तो हम ऐड किस तरह से करते हैं। हम एक नंबर लेंगे, हमारे पास एक नंबर है 15, हमें इसके साथ ऐड करना है 10। हमारे पास है 15, ऐड करना है इसके साथ 10, तो यहाँ पे हम किस तरह से ऐड करेंगे। तो सिंपली अगर मैं इसको कॉलम में लिखूंगा 15 + 10 वन प्लेस और टेन प्लेस, हमें सिंपली 5 + 0, मैंने आपको पहले भी बताया एडिटिव प्रॉपर्टी, आप 0 चाहे आप 0 को किसी भी नंबर के साथ ऐड करो, वहां पे आंसर वो नंबर अपना आंसर खुद होता है। तो यहाँ पे 5 + 0 दैट इज इक्वल टू 5, 1 + 1 = 2। तो मैंने आपको अभी कहा है वी हैव टू वी ऐड एट टेन्स हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स प्लेस, हमने सिर्फ इस टेन्स प्लेस पे ही ऐड किया है। जब भी हम इनको आपस में ऐड करते हैं 10 या 100 करते हैं तो इसी को ऐड करना होता है। तो दूसरी एग्जांपल मैं यहां पे इनको लेता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 94, इसको ऐड करना है हमें, इसको भी पहले 10 से ही देखेंगे, हम 10 के बारे में देखेंगे। तो यहां पे 94 को ऐड करेंगे हम 10, 1 प्लेस और 10 प्लेस। तो मैंने आपको अभी कहा है हमें सिर्फ 10 प्लेस पे ज्यादा ध्यान देना है। 4 + 0 आपको कुछ भी ना 4 को अगर 0 + 0 के साथ कोई भी नंबर ऐड करना होगा तो वहां पे आंसर 4 ही आएगा। 9 + 1 दैट इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे एक और प्लेस बनेगी, वो है 100 प्लेस। तो ये इसका आंसर है। इसी तरह से अगर हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे थोड़ी से, 100 को ऐड किस तरह से करेंगे वो आप देखेंगे। हम लेंगे एग्जाम्पल एक हमारे पास 125, हमें इसको ऐड करना है 100 से, ऐड 100, तो यहाँ पे हमें 100 प्लेस को ही ऐड करना है। तो 125 को ऐड करना है हमें 100, 1 = 10 = 100। तो जब हमने 10 की बात की तो हमने सिर्फ 10 प्लेस पे ऐड किया, अब हमें 100 की बात कर रहे हैं तो 100 प्लेस पे ऐड करना है। 5 + 0 That is equal to 5, 2 + 0 that is equal to 2, 1 + 1 तो यहाँ पे नंबर चेंज हुआ। तो कहने का मतलब है जब हम 10 से ऐड करते हैं, जब हमें 10 ऐड करना हो, 100 ऐड करना हो, 1000 ऐड करना हो, तो फर्क किस जगह पे पड़ता है। हमने यहाँ पे देखा है 1 प्लेस का डिजिट सेम ही आया, 10 प्लेस का डिजिट 2 ही आया, लेकिन 100 प्लेस पे 1 और 1 था तो 1 + 1 = 2, तो 100 प्लेस पे डिजिट चेंज हो गया है। तो इसका मतलब है यहां पे जब हम ऐड करते हैं, हमने इसको 100 ऐड किया है, ये 25 वैसे ही आ गया लेकिन 1 और 1 100 प्लेस पे इसको ऐड हो गया। तो इसी तरह हम एक और चीज लेंगे, अगर मेरे पास नंबर है 20 + 60, ये भी 10 से ही आता है, ये 2 10, ये 6 10 है, तो यहां पे इसको ऐड करने के लिए अगर हम यहां पे देखेंगे तो यहां पे सिर्फ 0 है, ये 0 ही रहेगा, सिर्फ 10 प्लेस जो है इस ये चेंज होगी, 6 + 2 = 8, 1 प्लेस का डिजिट वही रहेगा, चाहे यहाँ पे ऊपर जो नीचे एक है यहाँ पे भी 0, यहाँ 0 ही आएगा, लेकिन 10 प्लेस से पहले ऊपर 2 है नीचे 6 है, तो 2 6 + 2 दैट्स इक्वल टू 8 ही आ गया। तो इसी हिसाब से आपको जो 10 जो होते हैं इनको ऐड हम किस तरह से करते हैं। थाउजेंड की बात करते हैं, अगर हमारे पास नंबर है 2534, इसको हमें ऐड करना है 1000,
तो बच्चों एक चीज आपको याद रखनी है, अगर इसका आंसर लिखना होगा तो मैं सीधा लिखूंगा फोर फोर ही आएगा, थ्री ऐसे ही आएगा, फाइव ही ऐसे ही आएगा, टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री। अब देखते हैं इस हिसाब कॉलम्स के हिसाब से क्या इसका आंसर भी यही आएगा, 2534 इसको हमें ऐड करना है 1000। तो ऐड करने के लिए 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4, 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3, 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो जो मैंने यहाँ पे निकाला भाई, तो इसका मतलब हमने क्या समझा है, अगर हमें ऐड करना होगा 10, 100 और 1000 किसी भी नंबर के साथ तो हम ऐड करते हैं। अगर 10 ऐड करना है तो 10 प्लेस पे ही ऐड होगा, बाकी जो 1 प्लेस है वो वही डिजिट आएगा। अगर 100 से करना है तो 100 पे ही एडिशन होगा, बाकी डिजिट सेम ही आएंगे। 1000 को ऐड करना है तो 1000 पे ऐड करना है, बाकी डिजिट जैसे यहाँ पे सेम आ गए इसी तरह बाकी भी सेम आ गए। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.4 जो इसके रिलेटेड एडिंग 1000 और 1000 के रिलेटेड है उस पे आते हैं। ये आपके पेज नंबर 105 पे इसका ये फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स खाली जगह को पूरा कर रहे हैं। इसका पहला है, जो पहला पार्ट है वो है 94 प्लस 10, 94 को 10 के साथ ऐड करना है। तो सीधा यहां पे आ करेंगे 4, अगर आपको इस तरह से सही नहीं आएगा तो आप इस तरह से लिख सकते हो 94 प्लस 10, 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, तो ये आएगा 104। ये हो गया पहला पार्ट। इसका दूसरा पार्ट जो है वह है 576 प्लस 100, इसमें क्या आएगा, आगे इसके क्या आएगा। तो सिंपली अगर मैंने कहा आप इसको कॉलम में भी डाल सकते हो एडिशन करने के लिए, तो 576 प्लस 100, तो यहाँ पे सिर्फ इस तरह 100 ऐड करना, 100 प्लेस पे ही ऐड होगा, 6 6 ऐसे आएगा, 7 7 आएगा, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे आएगा 676। इसी तरह तीसरा पार्ट 923 प्लस 1000 ऐड करना इसके साथ हमें, तो यहां पे अगर आपको सीधा है आप कॉलम में इसको लिख सकते हो 923 प्लस 1000, तो 923 सेम इसी तरह है क्योंकि 100 प्लेस पे 1000 प्लेस पे 1 है, तो इसका आएगा 1923। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 4 जो है वो देखेंगे, वो क्या है, वह 2489 प्लस 100, तो यहाँ पे जब आप ऐड करोगे आपको सीधा ऐसे 2489, इसके नीचे ये सिर्फ 100 प्लेस तक ही ऐड करना है, तो 100 प्लेस में होगा 9 प्लस 0 9 8 प्लस 0 8 4 प्लस 1 5, तो 2 सीधा नीचे आएगा, तो यहाँ पे आएगा 2589, ये इसका आंसर आएगा। तो इस हिसाब से हमने देखा यहाँ पे 100 ऐड करा तो हमने 100 प्लेस पे ही सिर्फ ऐड किया है, यहाँ पे 10 था तो 10 प्लेस पे ही ऐड किया। इसी तरीके से जो इसके बाकी पार्ट्स हैं वो मैं आपको होम असाइनमेंट पे सेंड करूंगा, आप उसका जो रिस्पांस होगा वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करोगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।